हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं समथिंग स्पेशल 2.0। तो हम आज आप लोगों को बी फार्मा का कॉलेज दिखाने ले चल रहे हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ है, कितना काम वहां पे हो चुका है, तो वो सब दिखाएंगे। अभी अपने हॉस्टल से निकल चुके हैं, ये मेरा हॉस्टल है। और जैसे कि दूसरे वीडियो में भी देखे होंगे लोग कि वो पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है वो सब MBBS कैंपस के अंदर है और नर्स स्टाफ का क्वार्टर है वो सब। और ये हमारा नर्सिंग हॉस्टल है और इसके बगल में यहाँ पे एक कॉलेज हो गया नर्सिंग का, जो कॉलेज है BSc नर्सिंग का ये कॉलेज है। और उसके बाद लेकर के चलते हैं, इसके बगल में ही है। तो अभी आप लोग को टोटल दिखाएंगे कि कहाँ पे हॉस्टल है और कैसे है, और इसके बाद में अंदर भी चल करके दिखाएंगे कि क्या क्या अभी तक कंप्लीट हो चुका है और किस प्रकार का स्ट्रक्चर है और क्या क्या फैसिलिटियाँ है, इस सब के बारे में दिखाएंगे। तो देखते हैं चल करके। ये जो आप देख रहे हैं ये बी फार्मा का हॉस्टल है, ये इसमें डबल गेट है और ऐसे एक पीछे की ओर है जो लाइटिंग दिख रहा है उधर। ये पूरा देखिए अभी काम चल रहा है, इसलिए पूरा इधर कबाड़ टाइप का लग रहा है, लेकिन अंदर काम कंप्लीट हो चुका है मैक्सिमम 90% लगभग। और बाहर का काम जो है यही सब थोड़ा बहुत है, बाकी सब लगभग ख़त्म हो गया है। तो यही अभी दिखा रहे थे। ये बगल में आप जो देख रहे हैं वो हॉस्टल है और ये हॉस्टल देखिए कितना लंबा है। इसमें दो कंपार्टमेंट है, एक आगे की ओर है और एक ये है। सुनने में आया था कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ ही हैं, एक यहाँ पे गेट है और एक उस साइड से रास्ता जो जा रहा था तो पीछे की ओर है। इसका भी पूरा दिखाएंगे कि कैसा है और किधर से इसका गेट है और इसमें कितना टोटल रूम है, कितने बच्चे को मतलब रखने का यहाँ पे व्यवस्था है, ये सब के बारे में पूरा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको दिखाते हैं कॉलेज कैसा है, कितना कंप्लीट हुआ है और क्या क्या फैसिलिटियाँ कॉलेज वाले बिल्डिंग में है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए पीछे भी कितना लंबा है और इसमें भी और 3 फ्लोर है, ये भी 3rd फ्लोर तक है। तो इसके बारे में एक अलग सा वीडियो आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये कॉलेज का बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे 2 ट्रक का सामान आया हुआ है कॉलेज के लैब के लिए। और इसमें और भी मतलब इसमें अंदर काम कंप्लीट लगभग हो चुका है। देखिए यहाँ से सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए और यहाँ पे जितना ये नीचे कचरा देख रहे हैं, तो देखिए कोई भी काम समाप्त होता है तो ऊपर से साफ होते आता है और नीचे से सबसे कचरा रहता है, क्योंकि नीचे वाले ही फ्लोर पे सामान का स्टोरेज रहता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ सामान बचा हुआ है जो बाहर में काम होने वाला है या फिर अंदर भी अभी काम चल ही रहा है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए नीचे जो सामान रखा हुआ मटेरियल है तो इसलिए इतना कचरा दिख रहा है। बाकी सब चीज़ लगभग कंप्लीट है। देखिए लेटरिन बाथरूम का है, तो इसमें वही बाथरूम का दिख रहा है आपको। और इसका गेट देखिए कितना अच्छा है और अच्छा स्टैंडर्ड टाइप का बनाया हुआ है, ये भी मतलब शायद गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए था। और ये वाटर कूलर है, एक वाटर कूलर यहाँ पे देखें और एक अंदर में है शायद। चलिए दिखाते हैं कितना एक फ्लोर पे वाटर कूलर लगा हुआ है, अच्छा कंपनी का वाटर कूलर है। देखिए इस गेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और अंदर खोल के दिखाया जाता है। देखिए ये भी मतलब इसका प्रैक्टिकल करवाने के लिए जो होता है ना लैब का सामान आया हुआ है वहाँ पे। हाँ, व्हील चेयर है, बेड है, इसके बाद में ये फिल्म है और क्या बोलते हैं पर्दा है जो यहाँ पे प्राइवेसी के लिए लगाया जाता है, ये सब है। तो देखिए यहाँ पे अलमीरा वगैरह भी है, इसमें भी सामान होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत अरेंज करके मतलब सब चीज़ आ रहा है और यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी हमको लग रहा है कि जब तक मतलब पूरे तरह से कॉलेज रन करने का करेगा उस समय तक मतलब पूरा सामान इसके पास यहाँ पे मतलब इस कॉलेज में इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा
हम लोग का तो है कि अभी कुछ कुछ सामान अभी तक भी नहीं आया है, लेकिन इसका अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट बैच मतलब अभी आया है, अभी क्लास भी फर्स्ट बैच का स्टार्ट हो गया है, अभी टीचर उतना नहीं आए लोग, फिर भी मतलब देखिए सामान आ रहा है और कंटिन्यू मतलब अभी बाहर भी ट्रक लगा हुआ था, वो सामान उतर रहा था, तो यही सब है। और चलिए अंदर दिखाते हैं। देखिए ग्राउंड फ्लोर है और टोटल काम ऊपर से कंप्लीट होते हुए आया है, इसलिए नीचे जो है इतना कचरा लग रहा है, अभी नीचे में थोड़ा बहुत इधर उधर है, बस सर सफाई करने का ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, तो सर सफाई हो जाएगा। देखिए यह भी मतलब यह लेब है और लेब का है, इसमें मतलब लेब वगैरह होगा, इसमें भी उसका सामान है, देखिए पूरा भरा हुआ है, क्रेस वगैरह भी है उधर, यहाँ पे चेयर वगैरह स्पेशल इसका आया हुआ है। और ये जो सामान उल्टा पलटा देख रहे हैं, जो मतलब इधर उधर सामान रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि और भी मतलब अलग अलग रूम में सेपरेट रखा जाएगा, लेकिन अभी सामान जो उतर रहा है तो उसको पर्टिकुलर अरेंज नहीं किया गया है, इसलिए किसी किसी रूम में भर दिया गया है, तो बहुत जल्दी मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये भी मतलब एक नॉर्मल लग रहा है कि मतलब यहाँ पे बेसिन वगैरह है, देखिए जो 5-star होटल वगैरह में जो फैसिलिटी रहता है वैसा मतलब यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए हैंड वॉश करने के लिए उसमें लिक्विड रहता है, और इसको प्रेस करके हाथ में मतलब प्रेस किया जाता है तो हाथ में आ जाता है लिक्विड, तो वो वाला सिस्टम लगाया। गैलरी टाइप का दिया हो यहाँ से वहाँ तक, और इधर एक क्लास है, क्लास खोल के दिखाते हैं हम लोग कि कित नंबर है और क्या है। देखिए इसमें भी जो भी चेयर वगैरह है वैसे रखा हुआ है, अरेंज नहीं किया गया है, तो वही बात है कि अभी जो भी सामान आ रहा है वो टोटल मतलब ऐसे ही उतार करके कहीं कहीं रख दिया जा रहा है, और ज़रूरत के अनुसार से जहाँ जहाँ की भी ज़रूरत लगेगा तो उसके अनुसार से यहाँ पे दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको एक वाटर कूलर दिया है, एक ही फ्लोर पर दो वाटर कूलर है। देखिए और ये जो नया टेक्नोलॉजी का, इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, गर्म पानी का दिया है, ठंडा पानी का दिया है, और मतलब ये अभी जो मॉडर्न अभी जो चल रहा है वैसे ही मतलब अभी के अनुसार से ही दिया है, और ये वाटर कूलर बहुत अच्छा है। इसके बाद में देखिए अंदर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आ गए लोग, और ये भी एक क्लास है, देखिए इसमें भी एक क्लासरूम ही है, और यहाँ पे भी टेबल और चेयर का देखिए वैसे ही रखा हुआ है बिना अरेंज किए हुए, क्योंकि क्लास वगैरह तो चल नहीं रहा। और इसमें जो आपको दिख रहा है पंखा और लाइट का, वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का है, अभी दिन है इसलिए अभी लाइट उठ नहीं चला लो, क्योंकि उतना चारों ओर से लाइटिंग आ रहा है, तो बहुत अच्छा मतलब है, बिना लाइट के ही कितना बिना मतलब बल्ब जलाए ही दिन का मौसम है तो कितना अच्छा बाहर से लाइटिंग आ रहा है वो देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे भी सीढ़ी है, स्टेयर है जहाँ से आप छत पे जा सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और लेब है, तो भाई एक फ्लोर पे लगभग 3-4 आपको लेब रूम मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे भी लाइटिंग मस्त दिया है, और अच्छा कंपनी का लाइटिंग दिया है, और साथ में पंखा भी अच्छा क्वालिटी का दिया है। फिर एक ये दूसरा रूम है, ये छोटा सा रूम है, पता नहीं किस चीज़ का है। इसके बाद एक ये भी पता नहीं किस चीज़ का था। और इसके बाद में अभी जो ये दिख रहे हैं ये मतलब टीचर लोगों के लिए केबिन बनाया गया है, इसके अंदर मतलब जो भी है देखिए चल के दिखाते हैं। फिर इसके अंदर दो रूम है, और एक इसके बगल में भी है, देखिए 3-3 रूम है यहाँ पे। तो एक तो इसमें हाथ मुँह धोने के लिए बेसिन वगैरह लगा हुआ है, और इसके अंदर हम बाहर निकल गए वहाँ से, अंदर में प्रिंसिपल वगैरह का जो भी मतलब या टीचर लोगों के लिए था बना हुआ। और एक ग्राउंड फ्लोर पर है, अभी यहाँ से स्टार्ट किए थे, चारों ओर से घूम करके आ गए, अब हम लोग चलेंगे छत पे इसके फर्स्ट फ्लोर पे कि वो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या दिया है। अभी देखिए अभी ना नामकरण हुआ है और न ही अभी किसी रूम पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि ये इस रूम के लिए है, और वैसे मतलब कुछ नहीं हुआ है, ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद वो सब पेंटिंग वगैरह होता है, तो इसके बाद होगा। जब ऐसा होगा तो एक बार फ्रेश वीडियो बनाएंगे, अभी तत्काल में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बना रहे थे।
देखिए फर्स्ट फ्लोर नीचे जितना गंदा था उतना गंदा नहीं है, ऊपर भी मतलब कुछ कचरा वचरा है लेकिन मतलब ऊपर जितना मतलब सब काम लगभग हो चुका है। ये भी एक रूम है देखिए, इसमें कैसा टेबल दिया है और ये पता नहीं किसी से, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो टेबल बहुत मस्त दिया है। हमको लग रहा है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब होगा, क्योंकि कंप्यूटर वाला यहाँ पे दिया है ये सब आपको टेबल, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए, कंप्यूटर रखने के लिए, या हो सकता है तो यहाँ से सभी रूम में अलग अलग जगह बेड भी है, वहाँ पे अलग बड़ा बड़ा सा टेबल भी रखा हुआ है, चेयर भी है। तो फर्स्ट फ्लोर पर देखें, इसके बाद में चलिए दूसरा दिखाते हैं। यहाँ पे वही है जो नीचे स्ट्रक्चर था, जो आपके पास जो दिख रहे दोनों लैट्रिन बाथरूम है, और इसके बगल में जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे भी पानी मतलब वाटर कूलर था नीचे, जस्ट उसको ऊपर भी मतलब सेम ही है, यहाँ पे भी वाटर कूलर है। और इसके आगे चलते हैं, नहीं वाटर कूलर पे मतलब बहुत अच्छा दिया है और मतलब मॉडर्न वाला दिया है, अच्छा खासा इसमें मतलब जो वाटर कूलर है उसमें फीचर्स दिया हुआ है। आंगन इसका थोड़ा सा छोटा है, हम लोग के मतलब जो कॉलेज का है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके आंगन में भी मतलब नीचे बैठने वैठने के लिए बनाया है, जो कि हम लोग के कॉलेज के अंदर जो है उसमें बैठने के लिए नीचे नहीं बनाया है, वहाँ पे फूल उल लगाने के लिए, फिर वहाँ पे सरस्वती जी का पूजा होता है तो वहाँ पे कुछ फंक्शन करने के लिए नीचे बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ बैठने के लिए बना दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी एक फर्स्ट फ्लोर पे जो वाटर कूलर के बगल वाला रूम है उसमें हम आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी एक लैब के लिए पूरा मतलब लैब रूम है। इसके खिड़की से देखिए तो आपको यहाँ पे बाउंड्री दिख जा रहा है वो सामने, उसके जस्ट और आगे से रोड एक उधर पीछे की ओर गया है, और बाउंड्री के जस्ट बाद उधर खेत वगैरह है। ऐसे देखिए दूसरे गेट से निकल रहे हैं, बाद यही है इसके जो पीछे दिखाए थे वैसे ही सेम है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे तक सामने सामने रूम है, लेकिन रूम का नाम जब नाम मतलब लिखा जाएगा तो रूम का मतलब अलग अलग काम होगा अलग अलग रूम के लिए, हालांकि ये मतलब लेक्चर रूम है या क्लासरूम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्लासरूम है, ऊपर देखिए कितना साफ सुथरा है, नीचे मतलब गंदा था, नीचे मतलब अभी वही सब काम नहीं हुआ है, चाहे जो भी चीज़ ऊपर से क्लियर होते आ रहा है, इसलिए नीचे ज़्यादा कचरा दिख रहा था। बाकी सभी क्लासरूम वैसे ही हैं, क्योंकि सब में अभी क्लास नहीं चल रहा है, एक दो में क्लास चल रहा है बस। ये देखिए अगर आप खिड़की से बाहर देखना चाहेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ व्यू दिखेगा पूरा, अभी तो कुछ नहीं है लेकिन जब भी फसल उसल कोई भी चीज़ होता है तो चारों ओर से हरा भरा होता है और मौसम एकदम अच्छा रहता है, बहुत शांत रहता है, और इधर उतना ये नहीं रहता है। देखिए जो सामने आपको दिख रहा है एक मंदिर टाइप का दिख रहा है, वो आपको कॉलेज के पीछे या कॉलेज की छत पर से दिख जाएगा, वो आपको मंदिर जो है वो क्या बोलते हैं जैन लोगों का मंदिर है, श्वेतांबर या दिगंबर करके कुछ है, उसके बगल में बीएड कॉलेज था हरा वाला। तो यहाँ पे देखिए बस यही था, इस रूम को इस रूम से निकलते हैं और दूसरा दिखाते हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे रूम में। देखिए ये दूसरा रूम है, इसमें क्लास चल रहा है, ऑलरेडी एक बैच आया हुआ है, तो यहाँ पे अभी टीचर तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन देखिए आराम से कितना अच्छे से मतलब यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है और पूरा अरेंज करके रखा हुआ है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को बेंच कम्फर्टेबल होता है या आप लोग के लिए चेयर कम्फर्टेबल होता है, क्योंकि हम लोगों में जो दिया गया है चेयर दिया गया है उस पर ही एक हैंडल पे चेयर का वो रख कर के लिखने के लिए बनाया गया है, तो हमको वो वाला थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसका जो चेयर है उसमें नीचे बैठने के लिए गद्दा वगैरह भी है, इसमें टेबल पे सिर्फ लकड़ी रखा हुआ है। तो आप लोग अपने अनुसार से बताइएगा आप लोग के लिए मतलब क्या अच्छा रहता है, चेयर पर बैठना पसंद करते हैं या फिर बेंच पर बैठना पसंद करते हैं। हालांकि बेंच में एक फैसिलिटी यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इसके नीचे एक और रेखा है जिसमें कि आप अपना वहाँ और भी कॉपी या किताब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है या बैग वगैरह है वो अंदर रख सकते हैं,
और ये सब चेयर पे नहीं रहता है, चेयर में नहीं रहता है। और हम लोग में जो दिया है वो चेयर दिया है, लेकिन चेयर में एक फैसिलिटी रहता है कि उसमें गदा लगा रहता है, तो उसमें बैठने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, और कितना देर भी बैठिएगा तो मतलब कंफर्टेबल रहता है। और हम तो वो चेयर ही मतलब कंफर्टेबल मानते हैं। एक मतलब बेंच पे दो लोग बैठ सकते हैं और दो लोगों के लिए ही बनाया गया है। और लेकिन मतलब यहाँ पर नया है और अच्छा दिख रहा है, मजबूत है। तो यही था। और मेरे कॉलेज का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग जा करके उसका भी देख सकते हैं कि मेरे कॉलेज में जो BSc नर्सिंग का पर्टिकुलर कॉलेज है उसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि उसके उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना करके डाल रखा है ऑलरेडी। अब चलिए दूसरी जगह चलते हैं, देखते हैं। देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक इसकी गैलरी है, और इसके अंदर में देखिए क्या क्या आपको देखने में मिलेगा, अभी खोल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सब जगह सेम ही है, लेकिन एक फ्लोर और दिखा देते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा कचरा था। इसके बाद आपको डायरेक्ट हम छत पर लेकर चलेंगे और छत पर से दिखाएंगे कि इसके आउट साइड में क्या दिखता है आपको, और क्या उसके छत पे मतलब क्या क्या है, और उस पर भी मतलब कैसा दिया है वो। हालांकि हम लोग पहले घूम कर आ चुके हैं तो देखे हुए हैं, वो बहुत मतलब अलग है हम लोग के छत से। उस पर अलकतरा या पता नहीं काला क्या मतलब गिराया गया है, जिससे कि पानी नीचे नहीं आएगा, वो जो भी बारिश वगैरह होगा वो बाहर बह के निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि छत पे हम लोग के जैसे कि मतलब बिल्डिंग है उसमें पानी जब बरसात का मौसम होता है तो दीवार में पानी रिसने लगता है और दीवार गीला हो जाता है, तो ये सबसे शायद बचने के लिए उसमें अलकतरा या फिर काला कुछ मतलब एक मतलब ऊपर से पेंट टाइप का किया हुआ है, तो उसको भी दिखाएंगे। बस आप लोग बने रहिए और आप लोग को पूरा दिखाया जाता है कि नीचे वाला फ्लोर कितना गंदा था, लेकिन ऊपर देखिए ऊपर मतलब सब काम ज़्यादातर फिनिश हो चुका है। और एक फ्लोर पे वहीं दो आपको वाटर कूलर मिल जाएगा, दो सीढ़ी मिल जाएगा छत पे जाने के लिए या नीचे उतरने के लिए, और आपको मतलब आपको लैब रूम मिल जाएगा। देखिए देखिए बिल्डिंग है, ये एक रूम है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी चेयर बहुत सारा रखा हुआ है और टेबल है। तो देखिए जब तक कि पर्टिकुलर ये सब का नाम नहीं लिखा जा रहा है और सब चीज़ को और पर्टिकुलर तरीके से अरेंज नहीं किया जा रहा है, तब तक सिर्फ मतलब रूम ही दिखेगा। और जब मतलब पर्टिकुलर रूम किसी चीज़ के लिए एक के लिए बना दिया जाएगा, तब मतलब उसमें उसके अकॉर्डिंग सामान रखा जाएगा, तो फिर आपको सही से पता चल पाएगा। तो इसका सबका अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही है, और हम आपको डायरेक्ट अब छत पर लेकर के चलते हैं, क्योंकि वैसे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जब तक ये नहीं हो जाता है, बस आप लोग को इसका स्ट्रक्चर और सामान कितना है यही सब दिखाने के लिए लाए थे, तो आपको दिखा दी। और इसके ऊपर दिखाते हैं सबसे डायरेक्ट, अब एक थर्ड फ्लोर पर नहीं जाएंगे और सेकंड फ्लोर पर नहीं जाएंगे, आप लोग को यहाँ पर डबल स्पीड में दिखा दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। और एक डायरेक्ट हम आपको छत पर लेकर के चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं कि क्या क्या इसके आसपास में दिखता है, और आसपास का मतलब जो इसका मतलब व्यू है वो कैसा है। तो चलिए चलते हैं, चलिए आएंगे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा फ्रंट वाला जो नीचे प्रिंसिपल का रूम था या फिर मतलब स्टाफ लोगों के लिए रूम था, वैसे ही आगे यहाँ पे भी कुछ रूम दिख रहा है, तो यहाँ पर दिखा दे रहा। देखिए यहाँ से इसके खिड़की से सामने देखने पर उधर बाहर का मतलब सभी व्यू आ रहा है यहाँ पे जो फ्रंट में है। और इसके बाद फिर यहाँ से निकल करके चलते हैं, ये रहा आपका सीढ़ी, और सामने जो ये लिफ्ट का है, तो ये आप लिफ्ट देख रहे हैं। और इसके बाद में अब हम लोग छत पे चल रहे हैं, ये स्पीड कर दिए क्योंकि सब जगह वैसे ही है, तो कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, ज़्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ पे भी आप लिफ्ट का देख रहे थे, फिर यहाँ पे एक आपको आ गया देखने के लिए, यहाँ पे फ्रंट में आपको ले आ गया। और देखिए यहाँ से बाहर कितना अच्छा दिख रहा है भाई, ये मतलब जो भी है बहुत ज़बरदस्त मतलब कॉलेज बना हुआ है, और इसको बस मेंटेन करके रखे तो इसके चक्कर में मतलब हमको नहीं लग रहा है कि कोई कॉलेज वगैरह है अभी मतलब यहाँ पे। और देखिए जैसे कि यहाँ पे मतलब हर जगह ज़्यादातर इसमें लेब है। और ये रहा यहाँ पे
रिक्रिएशनल हॉल, इसमें छोटा मोटा पार्टी वगैरह जो भी कुछ अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मतलब छोटा मोटा हो जाता है। तो इसके बाहर का सामने जो है हॉस्टल है, और ये जो रिक्रिएशनल रूम है वो देखिए कितना लंबा है। इसमें इसको अच्छे से सजा सकते हैं और इसमें पार्टी वगैरह छोटा मोटा कर सकते हैं, इसलिए इसको रिक्रिएशनल रूम मतलब नाम दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाया जाता है, किया जाता है। देखिए कितना लंबा है और बाहर का मस्त व्यू यहाँ से भी आ रहा है। पूरा लाइटिंग का व्यवस्था मतलब बाहर से पूरा लाइट आ जाता है। तो इस तरह से है, पंखा और लाइट भी है। दिन में लाइट वगैरह नहीं चलाएं लोग, पंखा वगैरह नहीं चलाएं लोगों की अभी मतलब, अब पूरा दिन है और पूरा देख रहे हैं कि लाइट बाहर से ही है। देखिए यहाँ पे इसके बगल में एक और रूम है और इसमें लिखा हुआ है सेमिनार हॉल। अभी इसमें किस टाइप का, चलिए अंदर दिखाते हैं। कुछ इस टाइप का है यहाँ पे, अभी ये भी इसमें भी बहुत सारे सामान रखा हुआ। स्टार्ट नहीं किए थे, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसके बगल में। ये अभी हम लोग कहाँ पे हैं, बी फार्मा कॉलेज के सबसे टॉप फ्लोर पे हैं। और ये मूवी वाला सीन देख सकते हैं, पूरा ज़बरदस्त तरीके से है। इस पर ज़्यादा कुछ लिंकिंग वगैरह नहीं है, अदर इस पर रहता है तो उसमें बहुत सारा कनेक्शन रहता है तो दिक्कत होता है, लेकिन ये पूरा खाली है। और आप जैसे कि देख सकते हैं इसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हम आपको दिखा रहे हैं। यह पूरा खेत ही खेत है, ये बाउंड्री है ये कॉलेज का। और इसके बाद इसके बाहर खेत है, उधर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको वो आपका बीएड कॉलेज है। कौन सा बीएड कॉलेज है अभी हमको याद नहीं आ रहा नाम उसका। और इसके बगल में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंदिर टाइप का दिख रहा है, ये जैन लोगों का मंदिर है, श्वेतांबर या दिगंबर करके कुछ है। और उसके बाद यहाँ से जो इसके जस्ट बगल से एक रोड गुजरता है जो पीछे यहाँ पे चला जाता है, शेखपुरा जाता है। और यहाँ पे इसके आसपास मतलब बहुत अच्छा जगह है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आपको फील नहीं होगा कि हाँ मतलब शहर में गांव पीछे जो होता है उसमें नहीं, उतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एकदम नॉर्मल शांत रहता है। थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कब, जब शादी का सीज़न चलता है तो बहुत ज़्यादा गाना वाना इधर बजाता है लोग। और ये हाँ मतलब इधर गाना वाना बहुत ज़्यादा बजता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा नहीं, रूम बहुत अच्छा अच्छा दिया है। आप अगर गेट बंद कर लेंगे और शीशा बंद कर देंगे तो फिर मतलब जो है खिड़की सही से बंद कर देंगे तो आवाज़ उतना नहीं जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ लेकिन माहौल अच्छा बना रहता है, भोजपुरी गाना सुनने को मिलता है, उसके बाद में बहुत सारा मतलब पता चलते रहता है कि कौन सा फंक्शन चल रहा है, कौन सा सीज़न चल रहा है। तो यही सब है, उसके बाद में दिखा देते हैं, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं इस कॉलेज में। आज संडे है, संडे को खाना वाना खा करके आए हुए हैं लोग और घूम रहे हैं लोग। अभी सामान आया हुआ है तो गेट खुला हुआ है और अभी काम चल रहा है इसलिए संडे को खुला हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस पे प्लास्टिक वाला जो ये क्या आता है, ये मिस्टर की क्या बोला जाता है उसको, फूल लगाया जाता है इस पे। तो ये अभी नहीं लगा है ये यहाँ पे धूप और इस बारिश से बचाने के लिए, बाकी लाइट नीचे जाता है ग्रीन कलर का या अलग अलग कलर का ये सब आता है। इसके बाद ये देखिए रूम है, कुछ ही मेंटेनेंस के लिए है, पता नहीं किस चीज़ के लिए है। इसके बाद ये देख सकते हैं ये कॉलेज के पीछे की ओर से दिखा रहे हैं क्या क्या दिख रहा है आपको। सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी है क्योंकि ये फिर दोबारा से चांस नहीं मिलेगा इस पे आने के लिए। खेत ही खेत है, आपको हरियाली भी
जो नर्स लोग का जो मतलब है क्वार्टर है वो है, नर्स स्टाफ क्वार्टर। और ये आपका जो बिल्डिंग जो दिख रहा है ये है आपका बी फार्मा का हॉस्टल। हॉस्टल में का भी वीडियो कभी बनाएंगे। और सामने से जो दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद वो बीएससी नर्सिंग का है जो छोटा सा दिख रहा है, जिसपे आपको यहाँ पे वाटर कूलर दिख रहा है, सॉरी गीजर दिख रहा है, सोलर गीजर, वो बीएससी नर्सिंग वाला है तो यहाँ से नहीं दिख रहा है। इस पर भी हालांकि जो आपका यहाँ पे जो हॉस्टल है हम बी फार्मा का जो हॉस्टल आपको दिख रहा है यहाँ पे भी सोलर गीजर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, और टंकी भी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग के लिए टंकी जो है और इसका प्लास्टिक वाला नहीं दिया है, यहाँ पे क्यों दिया है। तो यही था आप, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा। और बाकी आप लोग का क्या सजेशन है, कैसा इन्वायरमेंट है, आप लोग खुद से भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कैसा क्या है, काम चल रहा है इसलिए सब बनाया गया है। आपको यहाँ पे जो लाइटिंग खंभा पे दिया है वहाँ से वो बीएससी नर्सिंग का स्टार्ट हो जाता है, इधर वाला बीच में जो है इसके बगल में वो कॉलेज है और उधर हॉस्टल है बीएससी नर्सिंग का। इसके लिए अभी लाइटिंग रोड में नहीं लगा है। आ गए ये देखिए, इस पे भी पानी टंकी के लिए पर्टिकुलर प्लास्टिक वाला ही टंकी है, लेकिन इसको बना दिया गया है। ये छत पे जाने के लिए, पता नहीं किस चीज़ का रूम है यार छत पे जाने के लिए। हाँ वो ये इसके लिए क्या बोलते हैं, हाँ लिफ्ट के लिए है। लिफ्ट का टोटल मैनेजमेंट ऊपर होगा। मैनेजमेंट क्या, इस पे यहाँ पे भी एक टंकी है, दो टंकी है, यहाँ पे तीन टंकी है और इस पर टंकी है भाई, पता नहीं कितना टंकी है, तीन चार टंकी है इस पर। तो यही एक नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना है केवी, एक कितना केवी का ही होगा मोटर होगा, नहीं यार ज़्यादा का होगा, हाँ डेढ़ का होगा चाहे डेढ़ दो का होगा। तो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है पानी को भरने के लिए टंकी में। ठीक है दोस्तों, तो यही था पूरा, छत पे भी दिखा दिए कि क्या है। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा ब्रीचिंग अच्छा लगा हो, और आप कमेंट्स करके बताइएगा लो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लो, कि और लोगों को भी पता चल जाएगी कैसा कॉलेज। हम बहुत जल्दी ही हॉस्टल का भी वीडियो लेकर के आएंगे, हॉस्टल में क्या है कैसे है सब चीज़ दिखाएंगे। बाय।